पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब YouTube पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसीधर न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा जिले के मेराल थाना में पदस्थापित नए थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने कहा कि थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के साथ साथ कोरोना संक्रमण के रोकथाम की प्राथमिकता रहेगी। बेरोजगारी बढ़ी है, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का अवैध धंधा नहीं चलने दिया जाएगा। थाना क्षेत्र में अवैध शराब की धंधा पर अंकुश लगाया जाएगा। थाना प्रभारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का अक्षर से पालन कराया जाएगा। संक्रमण को रोकने के लिए सभी को मास्क लगाना तथा शारीरिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान आप मेराल में पदाग्रहण किए हैं, क्या आपका इरादा? सरकार द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका अक्षर से अनुपालन कराना, जैसे मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, इस तरह की जो सरकार द्वारा दी गई है आदेश उसका अक्षरशः पालन कराया जा सके ताकि जो है मेराल क्षेत्र अंतर्गत इससे संक्रमित रोगियों की संख्या में कमी लाई जा सके। मेराल की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेराल की जनता के लिए सबसे बड़ी ये है कि यहाँ जो अपराध है उस पर कंट्रोल करना, सामाजिक समरसता बनी रहे और लोग जो है निश्चिंत होकर के अपने काम धंधा व्यवसाय को करें। और वर्तमान परिवेश तो अभी जो है COVID-19 के वजह से काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है देश की, वैसी परिस्थिति में अभी वर्तमान में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, वाहन चेकिंग, शराब पर जो है नियंत्रण, अवैध शराब की तस्करी या बिक्री पर नियंत्रण करना, जुआ पर जो है जुआ अड्डा या जो भी अवैध रूप से इस तरह की कार्य करते हैं उन पर नियंत्रण करना, इस तरह की अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं उन पर नियंत्रण करना हमारी प्राथमिकता है।